हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पार्थ प्रतिम चौधरी। और आज का जो ये वीडियो है, इसमें हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं जो कमिंग वीक है हमारा, मतलब कि जो हमारा कल से मंडे से स्टार्ट होगा, उसमें मार्केट के क्या व्यूज होने वाले हैं, क्या मूवमेंट मार्केट में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कहाँ पर हम लोगों को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है, कहाँ पर हमें ट्रेड लेना चाहिए या फिर हमें इग्नोर करना चाहिए, क्या चीज़ें हैं, वो सब सब चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और अभी जो लास्ट वीक में मैंने जो वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के अकॉर्डिंग भी हमारा जो वीकली का जो मैंने एनालिसिस दिया था, उस वीकली एनालिसिस में भी हमारा जो एनालिसिस था वो भी एक्यूरेटली हमारा हुआ है। आप चाहे तो आप ये चीज़ भी आप लोग देख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा लास्ट वीडियो, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने भी मतलब डिसीजन अपने ट्रेडिंग में आप लोगों को हेल्प मिली होगी। जैसे कि मैंने कहा था कि अभी मार्केट ऐसे सिनेरियो बन रहा है मार्केट में कि हम लोगों को अभी ऑप्शन ट्रेडिंग से भी थोड़ा दूर रहे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम डीके होगा। क्योंकि मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट है। मार्केट में हम स्विंग ट्रेड इन ऑप्शंस हम नहीं ले सकते अभी। स्विंग ट्रेड ले सकते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम लोग या फिर स्पॉट पे या फिर अपने फ्यूचर्स पे, ठीक है, लेकिन हम लोग ऑप्शन से दूर रहेंगे, ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो अभी आने वाला वीक जो कल से हमारा स्टार्ट होगा, तो उसमें मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है, मैं वो आप लोगों से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। निफ्टी में हमारा जो टाइम फ्रेम है वो वन डे का खुला हुआ चार्ट। तो अभी मुझे जो इसमें सिनेरियो दिख रहा है, अगर हम एक चीज़ अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही शार्पली मार्केट में एक ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो मार्केट एक अच्छे ट्रेंड में मार्केट में मूवमेंट दी हुई है, ठीक है। और अगर मैं रेंज पता करने की कोशिश करता हूँ तो उसके लिए हमें जो रेंज दिख रहा है मार्केट में, इस चेंज में मार्केट ने मूवमेंट दी हुई है, ठीक है। एक सेकेंड, तो मार्केट ने इस चेंज में मूवमेंट दी हुई है। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट जैसे कि एक पैटर्न बना रहा है जिसमें मार्केट धीरे 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 हमारे कंसोलिडेशन जोन में आता जा रहा है मार्केट, और यहाँ पर कंसोलिडेट मार्केट हो चुका है। अब यहाँ पर डिसीजन ये हमें लेना है कि मार्केट या फिर ऊपर के साइड ब्रेकआउट देगा तो हमें ऊपर के साइड ट्रेड लेना है, नीचे के साइड ब्रेकआउट देता है तो नीचे के साइड ट्रेड लेना है हमें। अगर मार्केट ऊपर के साइड अपर साइड अगर मार्केट मूव अपना ब्रेकआउट देता है कहीं ना कहीं, तो हमें 16,000 के लेवल से बहुत इजीली हमें दिखते आते हुए दिखेंगे, ठीक है। 16,000 16,500 तक के लेवल्स भी हम बहुत इजीली मार्केट में अचीव होते भी दिख सकते हैं। और मार्केट अगर डाउन साइड जाता है तो मार्केट में डाउन साइड में भी हमारा एक अच्छा खासा ट्रेड बनता हुआ दिखेगा। एक सेकेंड, तो उसके लिए भी हम लोग पहले तो वन डे चार्ट पे मैंने ये चीज़ देख लिया कि हम लोगों का मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में जाता हुआ दिख रहा है। अब मैं इसी को मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करता हूँ, तो मार्केट में जो हमें रेंज हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है उसी रेंज को मार्केट बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा है। अब हमें यहाँ पर अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी हो, जो कि मैंने आप लोगों को कहा है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी तो हमारे इस पॉइंट के ऊपर ब्रेकआउट पे मिलेगा, जो कि हमने कैंडल लाइन ड्रॉ किया है इसके ऊपर के ब्रेकआउट में हमें बाइंग साइड के लिए ट्रेड मिल सकता है इजीली, ठीक है। अब सेलिंग साइड के लिए हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्यों? क्योंकि सेलिंग साइड के साइड मार्केट ज़्यादा खुला हुआ है कि मार्केट हमारे नीचे से तक जा सकता है, टारगेट्स भी हमें इजीली मिल सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस भी हमारे इजीली वर्क करेंगे उसमें, ठीक है। तो अगर मुझे अगर सेलिंग करना हो मार्केट में तो मैं इस पॉइंट के नीचे मैं सेल करना पसंद करूंगा, समवेयर अराउंड दिस, इस पॉइंट के नीचे हम सेल करना पसंद करेंगे। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ गई है ड्रॉ करने में। एक सेकेंड, तो ये हमारा ट्रेंड है, ठीक है। अब जो मैं हमें दिख रहा है मार्केट में, अगर हमें सेलिंग साइड बैठना हो तो सेलिंग साइड हमें समवेयर अराउंड इस पॉइंट के नीचे हमें सेल करना ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर हमें इस पॉइंट के नीचे का ब्रेकआउट अगर हमें मिलता है तो हम यहाँ पर सेल आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट इस स्पेस में ज़्यादा सपोर्ट लिया है मार्केट ने, और सिर्फ हम इसके नीचे सेल आउट नहीं करेंगे एकदम से, जैसे क्रॉस ओवर रेट हम सेल नहीं करेंगे, इसके नीचे एक रेड कैंडल की क्लोजिंग मिलनी बहुत ही ज़रूरी है। उस रेड कैंडल के क्लोजिंग के नीचे जो लो होगा, उस कैंडल का जो लो होगा उसके नीचे सेलिंग करना ही हमें हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो समवेयर अराउंड उस रेड कैंडल के हाई पे, या फिर उस रेड कैंडल के जो प्रीवियस कैंडल होगा उस कैंडल के हाई पे हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगा करके चलेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे जो टारगेट्स रहेंगे वो हमारे टारगेट्स भी बहुत अच्छे अच्छे हमें इसमें टारगेट्स मिल सकते हैं,
जो कि हमें एक अच्छा खासा टारगेट, अगर देखूं तो मुझे समवेयर अराउंड यहाँ तक का टारगेट इजीली दिखता हुआ बनता हुआ नजर आ रहा है, अगर हमें ब्रेकआउट डाउन साइड मिलता है। सेकंड टारगेट हमें समवेयर अराउंड अराउंड 15,000 के नीचे भी मार्केट जा सकता है, और ऐसा सिनेरियो मार्केट में बन रहा है कि मार्केट एक बार डाउन साइड आए। ठीक है, तो हम इन दोनों टारगेट्स के लिए हम लोग वेट कर सकते हैं मार्केट में। मार्केट में हमें अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा ये वाला, जो कि अगर सेलिंग साइड हमें ट्रेड मिलता है तो। और बाइंग साइड के लिए तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला हुआ है कि बाइंग साइड में अगर हमें ट्रेड मिलता है तो हम नेकेड बाइंग नहीं करेंगे, हम साथ ही साथ पोजिशन को हैज करके चलेंगे, क्योंकि मार्केट में अभी भी जो सिनेरियो बन रहा है वो अभी भी बुलिश के लिए उतना स्ट्रॉन्ग सिनेरियो नहीं है मार्केट में। अभी जैसे कि हमारे आईटी सेक्टर्स के भी रिजल्ट्स आने लगेंगे अभी इस वीक से ही, तो फिर भी लेकिन समवेयर अराउंड हमें मार्केट में अगर बाइंग साइड ट्रेड मिलती है तो हम अपने पोजीशन को हैज करके चलेंगे, ताकि हमारा रिस्क कम हो और रिवॉर्ड थोड़ा सा ज़्यादा रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो और सेलिंग साइड के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सेल कहाँ पे करना है, हमारे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगना है, हमारा टारगेट कौन से होंगे, मैंने वो चीज़ भी आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आ जाता हूँ बैंक निफ्टी के स्टॉक, अपने बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे। अगर बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा सिनेरियो बना हुआ है। अगर मैं देखूँ तो ये देखिए, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाया हुआ है, जिस रेजिस्टेंस को मार्केट के लिए तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जब भी मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है तो यहीं पे मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट दी है अपवर्ड साइड की। ठीक है, अब इसमें सिनेरियो हमारा ये बनता है कि मार्केट अगर अपवर्ड साइड ब्रेकआउट देता है इस लेवल के ऊपर, तो हमारा बाइंग, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके ऊपर की ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमारे लिए कंपलसरी हो जाती है, और उस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस, या फिर उस ग्रीन कैंडल के प्रीवियस कैंडल कैंडल जो होगा उसके लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहे तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसमें हमारे जो तो टारगेट्स अगर बाइंग साइड के देखते हैं, तो बाइंग साइड के लिए हमारे हमें ज़्यादा लंबे टारगेट्स नहीं मिलते, एक टारगेट हमें ये मिलेगा और एक टारगेट हमें समवेयर अराउंड ये मिलेगा। इन दोनों टारगेट्स के लिए हम लोग वेट कर सकते हैं अगर मार्केट हमें ब्रेकआउट देता है तो। ठीक है, और अगर मार्केट डाउन साइड के लिए जाता है मार्केट, तो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। मार्केट अगर डाउन साइड के लिए जाता है तो हमें जो ट्रेड मिलता है वो हमें इस पॉइंट के ब्रेकआउट पे ट्रेड मिलेगा। ठीक है, जो कि हमारा ऑलमोस्ट एक सेकेंड, इसके कलर में चेंज कर देता हूँ ताकि हम लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए इजी रहे। ठीक है, इस पॉइंट के नीचे हम लोगों को ट्रेड मिलेगा ब्रेकआउट के नीचे, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो भी, हमारे टारगेट्स भी इसमें भी थोड़े बहुत, मतलब कि सही टारगेट्स हमें मिल सकता है डाउन साइड के लिए। पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, ठीक है, जो कि अच्छा खासा टारगेट है, आप लोग देख सकते हैं। दूसरा टारगेट जो हम लोगों को मिलेगा वो भी हमें अच्छे खासे लेवल्स तक के टारगेट मिल सकते हैं इस पॉइंट तक के लिए। तो अगर मैं देखूँ मार्केट में, तो मार्केट में सिनेरियो भी ऐसा बना हुआ है कि बुलिश साइड के लिए मार्केट अगर जाता है तो उससे पहले मार्केट को एक बियरिश मूवमेंट देना जरूरी है। अगर मार्केट बियरिश मूवमेंट हमें देगा तो उसके बाद ही उसी के बेसिस पे हमें एक अच्छा खासा बुलिश साइड के लिए ट्रेड मिल सकता है। अदरवाइज अभी जिस हिसाब से सिनेरियो बना हुआ है, इस हिसाब से हम लोग नेकेड बुलिश ट्रेड नहीं ले सकते। अगर हमें बुलिश साइड ट्रेड लेना है तो उसके साथ साथ हम लोगों को अपना हेज करके पोजिशन चलना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर अभी रिस्क नहीं ले सकते बुलिश साइड के लिए। आप लोगों ने भी देखा होगा कि रेजिस्टेंस से मार्केट हमेशा नीचे ही आ रहा है समवेयर अराउंड। मार्केट जैसे निफ्टी में देख लो तो निफ्टी में भी 15,900 के ऊपर मार्केट को तोड़ना, थोड़ा सस्टेन करना फॉर 15,800 फॉर 840 टू 15,900, इस लेवल से मार्केट को थोड़ा ब्रेकआउट देकर सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और बैंक निफ्टी में भी समवेयर अराउंड 35,300 35,200 के लेवल से मार्केट हमेशा ही नीचे डाउन साइड को आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमारे थोड़े बहुत, मतलब कि कंजेशन वाले पॉइंट्स है जहाँ पर मार्केट हमेशा रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। अगर हमें एक बार डाउनफॉल, एक डाउनफॉल अच्छा खासा मार्केट में मिल जाता है तो हमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज इसमें मिलेगी, जिससे कि मार्केट में हमें एक न्यू हाई बनता हुआ भी दिख सकता है। लेकिन अभी हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि हमें एक अच्छे बाइंग के लिए कम से कम एक बार डाउनफॉल मार्केट में दिखे।